ये देश झूठ सुनने का आदि हो चुका है। तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम चमचे हो, तुम कांग्रेसी हो। अरे भैया, जो सरकार का विरोध कर रहा है वो गद्दार हो गया। अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही बताते हैं, उन्हें अपने ही देश के लोगों को गद्दार बताते हैं। अगर जो फिल्म देखने आएगा आग लगा दोगे, चमड़ी उधेड़ दोगे, अरे उधेड़ के दिखाओ। मोहित शर्मा देखने जाएंगे फिल्म, देखते हैं कौन आग लगाएगा। फिल्म में कोई दिक्कत है तो सेंसर बोर्ड से कंप्लेंट करे देश के प्रधानमंत्री। नहीं, आप एक बात बताओ, इस फिल्म के नाम पर देश में दंगे करवाओ, गरीब का बच्चे को लड़वाओ। अरे मन से अपना है ही क्या, उसको चार लोग सुन नहीं रहे हैं। आप कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है वो संत ही नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि संत की वाणी जो होती है वो संत की वाणी में एक मिठास होती है, और संत का एक तरीका होता है जिस वाणी से ये शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। ये किसी भी एंगल से मेरे को तो संत नजर आते नहीं है। अगर आप लोगों को संत नजर आते हैं तो आप मुझे बताइए, ये संत हैं? इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। एक वो है संत परमहंस, ठीक है ना, आपने देखा था परमहंस जो जल समाधि ले रहा था, अब तक उसकी जल समाधि नहीं ली गई, उसको नदियां नहीं मिली है, क्या नहीं मिला? भैया गंगा है, जमुना है, इतनी सारी नदियां हैं, तो उसे जल समाधि नहीं ली गई। तो भैया इनका उद्देश्य सिर्फ देश के अंदर दंगे और फसाद कराना है। इन लोगों को काम और धंधा बढ़िया मिल गया है, 28 जनवरी तक इनको बायकॉट करना है सिर्फ इसी चीज का। इनको काम मिल गया, ठेका मिलता है, जैसे एक बिल्डिंग बनाने वाले को ठेका मिल जाता है ठेकेदार को, कि भैया आपको 15 दिन में 20 दिन में ये बिल्डिंग तैयार करनी है। तो ऐसी अब इनको ठेका मिल गया है, 28 तारीख तक इन लोगों को ठेकेदारी मिल गई है कि 28 तारीख तक आप जमकर जितना हो सके बिंदास तूफान की तरह हिंदू और मुसलमान करिए, और उसके बाद में जो है हम देखेंगे आपको नया टेंडर देंगे। तो ये लोग लग गए हैं अपने हिंदू मुसलमान करने वाले टेंडर में। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे को तो लगता नहीं कि भगवा का विरोध हो रहा है। एक बात बताइए, अगर भगवा का विरोध नहीं हो रहा है, नहीं भगवा का अपमान हो रहा है, एक बात, अगर भगवा का अपमान हो रहा होता तो भगवा का अपमान तो उस दिन भी होता जब मनोज तिवारी जो है वो अपने गाने में उस लड़की को भगवा ड्रेस पहना रहे थे, जब मनोज तिवारी खुद पहनते हैं बेबी बियर पी के नाचेलू वाले गाने में, जब अक्षय कुमार पहनते हैं, ठीक है, साथ में निरहुआ भी पहनते हैं, तो भक्तों के जितने भी चाहने वाले हैं, और साथ में कंगना रनावत जो हाथ में दारू की बोतल लेकर भगवा ड्रेस पहन रखी है, तो भगवा का अपमान तो मैं जानता हूं तब भी होता है। अगर आपने तब फिल्मों को बैन नहीं किया, तब आपने पोस्टरों को बंद नहीं किया था, तो आज क्यों कर रहे हैं आप, ये बताइए ना आप मुझे। क्योंकि भगवा बहाना है, निशाना कहीं और है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इस देश के अंदर क्या है कि इस देश के अंदर अगर कोई भी आदमी सच बोल ले तो उसको कह दिया था तुम चमचे हो, तुम कांग्रेसी हो, तुम देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो, और पता नहीं क्या क्या टुकड़े टुकड़े गैंग और फलाना ढिकाना बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। ये देश झूठ सुनने का आदि हो चुका है, ये देश सिर्फ झूठ सुनना चाहता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के पुराने वादों पे आप चर्चा कर लीजिए, 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी ने कही थी, आज आप पूछ लो किसी से कि भैया मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, कि 2 करोड़ तो छोड़ो 20 लाख रोजगारी बता दो कहां दिया है प्रति साल, तो वो तुरंत कहेंगे तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम चमचे हो, तुम कांग्रेसी हो। अरे भैया जो सरकार का विरोध कर रहा है वो गद्दार हो गया, जो सरकार के पे ही सवाल कर रहा है। आज से कुछ टाइम पहले 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी खुद कहते थे पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, तो लोगों को लगता था भाई पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है उस दौर की महंगाई के हिसाब से, ठीक है। उस टाइम पे सिलेंडर बहुत ही, इनो का नारा भी लगा था कि बहुत हुई रसोई गैस पे मार, अब की बार मोदी सरकार, आपने सुना होगा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, सरकार में लेकर आए। लेकिन आज पूछ लो कि भैया आपने तो होली दिवाली तो के शर्मा पठान मूवी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समर्थन या विरोध, ठीक है, इस पहली बात तो आप लोगों के विरोध करने से कोई तर्क और तथ्य निकलता ही नहीं है। आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं? कह रहे भगवा रंग को बेशरम रंग बोला। आप एक बात मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए कि आप भगवा रंग का, मैंने आपको बताया ना इतने सारे लोगों का उदाहरण देकर। दूसरी बात यह है कि जब दीपिका पादुकोण दूसरे देश में दूसरी कंट्री में जाकर हमारे देश का नाम रोशन करती है, तो ये भी तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। जब वहां पर उनको फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया जाता है ट्रॉफी के उद्घाटन के लिए, ये भारत देश के शौर्य के लिए गर्व की बात है कि भाई भारत देश का कोई व्यक्ति वहां बुलाया जाता है, कितने बड़े गर्व की बात है, आप ये देखिए ना। लेकिन यहाँ के लोगों का काम क्या है, यहाँ के लोगों का काम सिर्फ यही है विरोध करना, विरोध करना। यहाँ के लोग सिर्फ झूठ सुनते हैं और हम सिर्फ सत्य बोलते हैं, हम सच बोलना जानते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको याद होगा पत्रकार महोदय, जब आप अंग्रेजों के दौर में चले जाएंगे तो उस टाइम पर सीने पर गोली खाने वाले लोग भी थे, और उस टाइम पर कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे और अंग्रेजों की दलाली भी किया करते थे, पेंशन भी खाया करते थे, ठीक है ना। लेकिन उनको आज के दौर में अच्छा बताया जाता है, और जो है क्या राजगुरु है, सुखदेव है, उनको गलत बताया जाता है। ये गैंग नहीं है, ये जो है ये देश की सरकार इन गैंगों को ऑपरेट करती है, गैंग है।
ये भाजपा की ही गैंग है, इनको आप देखेंगे तो इनका वोट सिर्फ बीजेपी को ही जाता है, ये बीजेपी की ही गैंग है। मैं आपको बता दूं, इनको ऑपरेट किया जाता है, जैसे इलेक्शन के टाइम पर आपने देखते हैं ना, बहुत सारी वीडियो आती है मुर्गे के चक्कर में और दारू के चक्कर में बहुत सारे आते हैं लोग, उनको ये नहीं पता किसका विरोध कर रहे हैं लेकिन विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये गैंग है, इनको क्या है, इनको अनाउंसमेंट कर दिया। एक आदमी, मैंने भी एक भाई से फोन करके पूछा, तो मैं वो बता रहा, मुझे कह रहा, मैंने कहा भाई साहब आजकल तो बहुत काम वाम चल नहीं रहा है, क्या कर रहे हो आप आजकल? कह रहा भैया हमारा तो काम चल नहीं रहा है, मैं तो यही कर रहा हूँ कि 500 और 1000 मिल जाते हैं बायकाट करने के, तो मैं तो बायकाट ही कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर। लेकिन नहीं भाई, आप एक बात मुझे बताइए, सच्चा हिंदू तो वो नहीं था जिसने हाथरस में जब बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसके लिए आवाज नहीं उठाई? सच्चा हिंदू वो नहीं था जिसने जब एक हिंदू बेटी के साथ में यहाँ पर उसके ऊपर तेजाब गेर दिया जाता है, एसिड गेर दिया जाता है, उसके लिए आवाज नहीं उठाई? जब वो सच्चा हिंदू नहीं था जो इस देश के अंदर जब अपमानित किया गया, जब बहन बेटियों को, आपने देखा ना कि कर्नाटक के अंदर एक बहन बेटी जो है वो टंकी से पानी पी लेती है तो उस टंकी को गौमूत्र से धोया जाता है, तब हिंदू धर्म अपमानित नहीं होता? आप हिंदुओं को एक साथ जीने देते हो है? आप हिंदुओं को बांटते हो छोटे बड़े के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर? मैं इस देश के अंदर उसको सबसे बड़ा समझता हूँ, अरे आप उसको छोटा समझते होंगे, मैं तो सबसे बड़ा समझता हूँ। जो इस देश के अंदर कोरोना का समय हो तब वो इस देश के अंदर अस्पतालों के अंदर जो सफाई है वो सफाई करने का काम करते हैं, सुबह सुबह हमारे घर के बाहर आकर सफाई का काम करते हैं, आपकी नजर में वो छोटे होते होंगे, मेरी नजर में मैं ऐसे लोगों को दिल से सम्मान करता हूं और मैं कहता हूं कि सबको एक इक्वल दर्जे की नागरिकता मिलनी चाहिए, एक समान नागरिकता मिलनी चाहिए, और जाति धर्म और जो रिलीजन का जो मतभेद है इसको समाप्त करना चाहिए। और आज आप समान है, सम्मान नहीं है। देखिए नहीं नहीं, मैं आपको तो नागरिकता तो एक समान है, मैं नागरिक के सम्मान की बात कर रहा हूं। जो नागरिक का सम्मान है वो सबको इक्वल मिलना चाहिए। जो आप ये जाति और धर्म और मजहब के नाम पर, अरे आप एक बात मुझे बताइए, जो व्यक्ति देश की सफाई कर रहा है वो तो सबसे बड़ा आदमी है इस देश के अंदर, और आप उसको कहते हो कि वो अछूत है, हैं? आप उसके लिए कहते हो कि ये बहुजन है, आप उसके लिए कहते हो कि ये दलित है, आप बहुत सारे शब्द निकालते हो। अरे मैं कहता हूँ वो हिंदू है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश की सफाई करो, लेकिन आप तो देश में गंद फैलाते हो, आपका काम है गंद फैलाने का, आपका काम है बायकाट करने का, आपका काम है कभी इसको लेकर गंद फैलाने का, कभी हिंदू मुसलमान को लेकर गंद फैलाने का, कभी ताजमहल को लेकर बायकाट कर देने का, कभी आप फीफा वर्ल्ड कप में बियर का बायकाट करने का। आप जिंदगी भर बायकाट करते रहेंगे और आपके बायकाट से कुछ नहीं होने। आप जो कह रहे हैं कि चमड़ी उधेड़ देंगे, ये साधु का शब्द है, ये साधु का शब्द है, ये चमड़ी उधेड़ना साधु का शब्द है? साधु को इस प्रकार की भाषा शोभा देती है? आप एक बात मुझे बताइए, आपका नाम राशिद है, आपके अगर मौलाना हो तो आप ये बताइए वो इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें तो आपको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं ना, तो फिर एक बात मुझे बताइए, मेरा नाम मोहित शर्मा है, ठीक है, अब अगर कोई साधु महात्मा इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये कि एक बात मुझे बताइए, ट्रोल शाहरुख खान हो रहे हैं जबकि कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहने, दिक्कत किसी को किसी चीज से नहीं है। हाँ। भैया आप एक बात, आपको फिल्म ठीक नहीं लग रही, आप मत जाओ देखने। तो दीपिका पहनी है तो शाहरुख को ट्रोल क्यों कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताता हूँ, सुनिए, आपको फिल्म अच्छी नहीं लग रही है तो आप मत जाइए देखने। आप ये सोशल मीडिया पे बायकाट शाहरुख खान, बायकाट दीपिका पादुकोण, बायकाट पठान, क्या है ये भाई, क्या है? अरे भैया आपका जो है ना बायकाट, हमने देखा कितना तगड़ा आपका बायकाट होता है। अभी कुछ दिन पहले चाइना का बायकाट कर रहे थे, चाइना के फोन का बायकाट, चाइना की लड़ी का बायकाट, चाइना के बम का बायकाट, ये बायकाट बायकाट करते करते ये जिंदगी भर यही करते रहेंगे। और इनके बच्चे, सुन लीजिए, इनके बच्चे ना बेहतर शिक्षा ले पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बच्चों को पहले ही कह दिया है शिक्षा का बच्चों बायकाट ओनली फॉर मोदी जी। साधु कौन से मानने वाले हैं? संत परमहंस को कितने लोग मानते हैं जरा ये बताइए, बताइए ना। अरे उनकी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चलती है, उस पर 50 लाइक नहीं आते, उनके 50 मुझे लगता है चेले नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपके मानने वाले, दिखते हैं आपके कितने मानने वाले। लेकिन ये कितना सही है कि उसने भरी सभा में और इतने चैनल्स के आगे बोला है परमहंस ने कि चमड़ी उधेड़ दूंगा और जिंदा जला दूंगा, तो जला कर दिखाए ना जिंदा। इस देश का कानून नाम की चीज है, इस देश में कानून बहुत बड़ी चीज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून बना के गए, ठीक है ना, और इन जैसे लोगों के लिए ही बना के गए कि जैसे ही उल्टे सीधे शब्द निकाले इनके लिए जेल की काल कोठरियां खुली हुई है और उनमें बंद किया जाए इनको। और ऐसे लोगों को तो, ऐसे लोगों को सात समुन्द्र पाल की जेल में बंद किया जाए ताकि देश में दोबारा कोई ऐसा बयान न दे सके। ये अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही बताते हैं, उन्हें अपने ही देश के लोगों को गद्दार बताते हैं, अपने देश के लोगों को जयचंद बताते हैं। अरे आज अगर कोई सरकार से सवाल करता है आप उसे जयचंद बोल देते हो, देशद्रोही बोल देते हो। आप कह रहे हो अगर जो फिल्म देखने आएगा आग लगा दोगे, चमड़ी उधेड़ दोगे, अरे उधेड़ के दिखाओ,
मोहित शर्मा देखने जाएंगे फिल्म, देखते हैं कौन आग लगाएगा, लगवाए कोई आग, है किसी के अंदर दम? देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देता है, और अगर फिल्म में कोई गड़बड़ी है, फिल्म में कोई दिक्कत है, तो सेंसर बोर्ड से कंप्लेंट करें देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बात करें सेंसर बोर्ड से, प्रधानमंत्री तो चुप है, प्रधानमंत्री मेघालय घूमने से फुर्सत नहीं है उनको, है देश में इतना बड़ा बवाल खड़ा करवा जाते हैं, बायकॉट 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 गैंग को भेजकर, है और खुद गायब रहते हैं। बीजेपी विरोध कर रही है तो प्रधानमंत्री आप सरकार में बैठे क्यों हैं? अगर आपको विरोध करने का शौक है तो सत्ता छोड़ दो और विरोध में आ जाओ, क्या दिक्कत है? अगर आप सत्ता में नहीं होते तो आपका विरोध करना बिल्कुल जायज होता, बिल्कुल लाजमी होता और बिल्कुल तर्क भरा होता। आज आप सत्ता में हैं और आप विरोध कर रहे हैं, आप सेंसर बोर्ड से बात करिए और सेंसर बोर्ड को कहकर उस सीन को हटवाइए भाई, आपकी इतनी भी नहीं चलती तो फिर आपकी औकात क्या है? काहे के लिए 300 प्लस का बहुमत लेके बैठे हो? अपने घर बैठ जाओ। मतलब हिंदुओं को सिर्फ नहीं, आप एक बात बताओ, इस फिल्म के नाम पर देश में दंगे करवाओ, गरीब का बच्चे को लड़वाओ, सड़क पर दंगे करवाओ, हैं? और आप एक शब्द नहीं बोलेंगे मुंह से। एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री की कोई पावर होती है नहीं होती है देश में, हैं? या प्रधानमंत्री की पावर सिर्फ यही है कि एम्बुलेंस को रास्ता देते रहेंगे ट्रैफिक पुलिस की तरह, है? या प्रधानमंत्री की यही पावर है कि कहीं यहाँ चुनावी प्रचार तो कभी वहां चुनावी प्रचार? अरे भैया, इतनी हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंच रही है तो सीन हटवा दो, बोल दो ना सेंसर बोर्ड को, क्यों नहीं बोलते हो? सेंसर बोर्ड को भी नहीं बोलना है, मुस्लिम वोट भी चाहिए, मुस्लिम दामाद भी चाहिए, है? और सारे काम आपको करवाने हैं और फिल्म का विरोध भी करवाना है, मतलब आप चटबीन की और पटबीन की, तो देश की जनता को पागल। सारी रामायण खत्म हो गई है, पूछ रहे हैं कि भैया राम कौन थे? मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपत्ति है तो प्रधानमंत्री मुसलमान है क्या? फिर वही बात, या प्रधानमंत्री मुसलमान है क्या बताइए? हिंदू मुसलमान का प्रधानमंत्री बंटवारा थोड़ी करेंगे? अरे प्रधानमंत्री हिंदू है ना, वैसे तो प्रधानमंत्री हिंदू है ना, देश के प्रधानमंत्री। अच्छा तो मुख्यमंत्री, एक मिनट के, मुख्यमंत्री विदेश का होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों स्टेटमेंट दे रहे? मुख्यमंत्री विदेश का होता है भाई, इनको सुनाई नहीं देता है भैया, पुराना स्टेटमेंट है, पुराना स्टेटमेंट को वायरल किया जा रहा है, नहीं पुराना स्टेटमेंट पहले भी दिया था, तो पहले उस टाइम पे मुख्यमंत्री नहीं थे, पुराना था वो, 5 साल पहले का स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री नहीं थे उस टाइम पर, ये बताइए ना, मुख्यमंत्री थे तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं बोलेंगे मोदी जी के पर्सनल बिल्कुल पैट होते हैं ना वो, हैं ये, आप समझ जाइए पालतू एकदम डॉग वाली, इनकी जहाँ सच्चाई बोलो वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही गद्दार। आप देशभक्त हैं, हैं आप देशभक्त? यहाँ नहीं, यहाँ एक मिनट, यहाँ बताइए आपके घर से कितने लोग हैं आर्मी के अंदर? कंट्री में कंट्रीब्यूशन क्या है? राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। अरे एक मिनट रुकिए, क्या राष्ट्रभक्त का आप? क्या राष्ट्रभक्त है? देश से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ये आपकी राष्ट्रभक्ति है कि आप ताजमहल को कहते हैं कि यहाँ हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, कुतुब मीनार को कहते हैं कि ये हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, हिंदू मुसलमान को लड़ाना ये आपकी राष्ट्रभक्ति है? और आपको सुनिए, आपका मैंने कौन सा घर बेच दिया या मैंने अपनी कौन सी देश की संपत्ति बेच दी जो आप मुझे देशद्रोही बता रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? और अगर दोबारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा, मैं भी भूल जाऊंगा कि आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, पत्रकारिता का सम्मान करिए, इज्जत करिए और इज्जत करवाइए, ठीक है? परमंश पे, किस पे? परमंश पे, परमंश पे अपना है ही क्या, उसको चार लोग सुन नहीं रहे हैं, आप जैसे लोग हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं, आप जैसे लोग नहीं सिर्फ इकलौते आप, बाकी इतने और भी पत्रकार हैं वो तो नहीं सुनने संत परमंश को, वो तो ये पूछ रहे हैं कि मोहित भाई तो मैं इस टॉपिक आपके दलाल प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी जो हैं, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हिंदू हैं, तो प्रधानमंत्री की भावना भी तो आहत हो रही होगी, तो प्रधानमंत्री सेंसर बोर्ड को क्यों नहीं कहते? लेकिन प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने बायकॉट गैंग रख रखी है। अच्छा, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। आपने कहा कि बायकॉट का कितना असर होगा हम देखेंगे, लाल सिंह चड्ढा का भी लोगों ने जबरदस्त बायकॉट किया था और उसका असर पता है क्या हुआ था? देखिए मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पर देश में सिचुएशन अलग थी और फिल्म फ्लॉप जाए या सुपर हिट जाए या सुपर डुपर हिट जाए वो मैटर ही नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप लोगों का उद्देश्य क्या है। आप लोग शिक्षा पे चर्चा नहीं करते, कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को मारा गया, क्या उनकी आवाज उठाने वाला देश में कोई है? आप एक पत्रकार, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती और मुझे शर्म आती है आपकी इस गंदी और घिनौनी पत्रकारिता पे, जो कि आप फिल्मों के नाम पर देश को लड़ाते हैं, जबकि देश का नौजवान जो फीस बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन लंबे समय से कर रहा है, कल बैंक के गार्डों के द्वारा उनको घुस के कैंपस में मारा गया, लेकिन उनकी आवाज उठाने के लिए, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, सारे पत्रकार टीआरपी बटोर रहे हैं पठान फिल्म से, ये इस देश का दुर्भाग्य है। देश के नौजवान से कहूंगा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के विरोध करें, सड़क पे वो नहीं दिख रहा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद।